हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आइडिया स्टडी फैक चैनल में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए फिजिक्स का पेपर के यहां पर सोल्यूशन लिया आया था, तो यहां पर मैं आप लोगों को सोल्यूशन पूरा यहां पर दे चुका हूं। अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताऊँ तो यह है APS यूनिवर्सिटी रीवा का। तो यहाँ पास मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश उद्यमिता का भी सोल्यूशन चाहिए तो मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को फिजिक्स का सेकेंड पार्ट का यहाँ पर सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो और हाँ, आपके एक बात और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से बीएससी सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं और आप बीएससी सेकेंड ईयर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे करियर गाइड से और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब चलिए हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल फिजिक्स का है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इनमें से मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इनमें लिखा है निम्नलिखित को समझाइए, तो यहाँ पास आप लोगों को ए और वी है, उन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो मैं सोल्यूशन आपको दिया हूँ तो उसमें एक ही में क्लाउसियस का यहाँ पर नियम है, तो आप लोगों को थोड़ा जो ए और बी है तो अपने हिसाब से जो पेपर में आया हो अपने हिसाब से ही लिख लेना। उसके बाद यहाँ पास मैं दूसरा का देने वाला हूँ सोल्यूशन, उसके बाद फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप लोगों को एक या फिर इनमें से पांचों करना हो, ये भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़े पेपर को समझ लीजिएगा, उसके हिसाब से कर लीजिएगा, यानी कि मैं आप लोगों को इसके यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर फिजिक्स का यहाँ पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पूछा था। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घुमा फिरा कर दिया हुआ है, तो यहाँ पास मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा क्वालिटी आपको लो दिखे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना वीडियो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना। यहाँ पास एक एक से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है। चलिए यहाँ पास मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे वीडियो के साथ साथ अपना पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हमारा जो बी नंबर था यह है क्लाउसियस का, तो आप लोगों को थोड़ा अपना बी नंबर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पास कर लेना, तो आपका दोनों क्वेश्चन एक साथ यहाँ पास हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता, थोड़ा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पास घुमा के दिया हुआ है आपके पेपर में, पर डोंट वरी, ये क्वेश्चन सेम ही है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप के आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पास कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप लोग के यहाँ पर मैक्सवेल का चतुर समीकरण यहाँ तक ही आपको लिखना है। अब चलिए हम यहाँ पास बढ़ते हैं वोल्टेज मैन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए इसके सल्यूशन हम लेकर दिखाते हैं, तो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पास आ रहा है कि ये वोल्टेज मैन का नीतांक है, ठीक है,
तो आप लोग हो सके तो यहाँ तक करिए, या फिर हो सकता है इसके आगे कुछ पूछे तो आप लोग इसके आगे भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पास हमारा खत्म होता है। अब तो देखिए आपको बोस और आइंस्टीन के सांख्यिकी का यहाँ पास से लिखना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पास आप लोग का चौथे क्वेश्चन भी यहाँ पास पूरा हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं अपना पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पास मैं आपको बायोग्राफी दे रहा हूँ आइंस्टीन का, और साथ में जितना भी साइंटिस्ट का यहाँ पास बायोग्राफी पूछा था वो सब यहाँ पास दे रहा हूँ। तो आप लोग का यहाँ पर 5 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट हुआ। तो आई नो आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल रहा होगा। और हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहे, हो सके तो मेरे पे डिपेंड भी ना रहे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे काम है तो मैं अपना काम पर भी यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। मेरे पास जो टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।